So hello everyone, this is CA Sanidhya Saraf, your friend and coach for audit and law. So ये जो video है, this is regarding standards of auditing. जैसे कि video का title बताता है कि भाई time to end the fear phobia that is standards of auditing. अब देखना standards of auditing एक ऐसा topic है CA final के अंदर भी, inter के level के अंदर भी, कि एक fear phobia बना हुआ students के लिए. अभी recently अपने telegram channel के अंदर audit saga by CA Sanidhya Saraf, मैंने poll conduct किया था कि विच एरिया इन सी ए फाइनल ऑडिट हॉन्ट्स यू द मोस्ट. तो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस, अराउंड 70% ऑफ द ऑडियंस ने अपना जो वोट्स कास्ट किया वो स्टैंडर्ड्स के फेवर में किया. मोर देन 1000 स्टूडेंट्स ने वोट करके बताया कि सर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज समथिंग जो हमें बहुत डराता है. इनफैक्ट सी ए फाइनल के अंदर ही नहीं, सी ए इंटर के अंदर भी स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग एक ऐसा एरिया जो हमें बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है. बट एग्जाम की बात करें तो भाई जब तक स्टैंडर्ड्स हमारा स्ट्रांग नहीं हो जाता, जब तक हमारा स्टैंडर्ड्स अच्छा नहीं हो जाता, तब तक हम पास नहीं हो सकते सीए फाइनल के अंदर, तब तक हम अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते, राइट. सो ये जो वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग कि आखिर ये जो स्टैंडर्ड्स का फियर फोबिया है इसे कैसे खत्म करना है. अब देखना स्टैंडर्ड्स के फियर फोबिया को खत्म करने के लिए आई हैव कम अप विद एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने. अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट, बट इस कॉन्सेप्ट में मुझे आपका सपोर्ट चाहिएगा, जबरदस्त वाला सपोर्ट चाहिएगा. जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे ना मेरे कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता, फेल होने वाला है. आई नीड योर सपोर्ट. अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या करने वाला हूं मैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज है. काफी लोग ऑडिट सेल्फ स्टडी भी करते हैं, काफी लोगों ने क्लासेस भी ले रखी है, कुछ लोगों ने मुझसे भी क्लासेस ले रखी हैं और काफी लोगों ने अलग अलग फैकल्टी से क्लासेस ले रखी हैं. एंड काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के लिए काम आने वाला है. इस कॉन्सेप्ट के अंदर व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट, कि देखो बहुत सिंपल सी चीज, हमें एक चीज समझना होगा कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इज वेरी वेरी ब्रॉड, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही लेंथी टॉपिक है. और एग्जाम के अंदर जो वेटेज होता है उसका, दैट इज 30 to 35 marks, समवेयर अराउंड 30 to 35 marks, एक जो एवरेज मार्क्स जाता है. कभी कभी 40 नंबर का भी आ सकता है, 45 नंबर का भी आ सकता है, कभी कभी 25 नंबर का भी आ जाता है. तो ऑन एन एवरेज जो मार्किंग बनती है वो 30-35 नंबर का टॉपिक बनता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इन सी ए फाइनल लेवल. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल के अंदर स्टैंडर्ड 600-700 पेज का है, जो करना पॉसिबल नहीं होता, हर एक टॉपिक करना पॉसिबल नहीं हो पाता. अगर मैं स्टैंडर्ड को समराइज भी कर दूं, फॉर एग्जांपल अभी तक मैंने क्या करा, हमेशा एक स्टैंडर्ड्स का ना समरी नोट्स हमेशा सर्कुलेट कर रहा है अटेम्प्ट से पहले, अराउंड 100 पेजेस का, और मोस्टली आप देखोगे वहां से क्वेश्चन बन जाता है. बट वो भी स्टूडेंट को बल्कि लगता है, वो भी स्टूडेंट को एग्जाम से पहले लर्न करना डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज सर 44 स्टैंडर्ड्स हैं, इतना सारा स्टैंडर्ड है, हर किसी का नाम, हर किसी का नंबर, हर किसी का अलग 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 कॉन्सेप्ट्स, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर देम. अब मैंने क्या एक तरीका निकाला भाई, सिंपल सी चीज है, आप जब सेल्फ स्टडी भी करते हो तो आप चीजें बार बार भूल रहे होते हो. आपने अगर क्लासेस भी ले रखी होती है ना, क्या होता है कि एक बार अपने क्लासेस देख ली, लेकिन जैसे ही एक महीने का टाइम गैप आता है ना तो आप भूलने लगते हो. एक महीना नहीं, स्टैंडर्ड तो ऐसा टॉपिक है कि यार 10 दिन का टाइम गैप आती है, भूलने लगते हो कि क्या किया था. कभी कभी तो ऐसा होता है कि पिछले दिन स्टैंडर्ड किया था हमने क्लास के अंदर, या सेल्फ स्टडी करी थी, अगले दिन हमें याद नहीं है, दैट हैपेंस. सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट आई डिड इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स वाज दैट, कि रिविजनरी वॉइस क्लिप का कॉन्सेप्ट निकाला था मैंने, that is going to be there for May 19 as well. कि हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वॉइस क्लिप मिलेगा, जिसको आप सुनते जाओ अपने लेजर टाइम में, ट्रेवलिंग टाइम में. अब इस बार उस कॉन्सेप्ट के अंदर मैं एक एडिशन लाने वाला हूँ. क्या एडिशन लाने वाला हूँ, जो रिविजनरी वॉइस क्लिप का कॉन्सेप्ट था वो तो रहेगा ही रहेगा. अब इस बार उस कॉन्सेप्ट में ये एडिशन लाने वाला हूँ मैं, कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के ऊपर खासा एक्स्ट्रा फोकस होने वाला है. हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर अलग वॉइस क्लिप, हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर 3-4 मिनट का अलग वॉइस क्लिप, कंसोलिडेटेड सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर अलग वॉइस क्लिप, एग्जाम से पहले स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक रिविजनरी वीडियो. तो हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर अलग वॉइस क्लिप, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड्स के ऊपर अलग वॉइस क्लिप, एंड एग्जाम से पहले कंसोलिडेटेड वीडियो ऑन स्टैंडर्ड. इसके अलावा व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट, जो पोर्टल है हमारा अपना मेंटर, तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा वहां पे, जो आप जाके अपीयर कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट द्वारा चेक कर सकते हो. उसके अलावा एक और नया कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आ रहा हूं, दैट इज रेगुलर बेसिस में क्या करने वाला हूं मैं, 2-3 मिनट का शॉर्ट वीडियो हर एक स्टैंडर्ड के ऊपर निकालने वाला हूं. उस वीडियो के अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, मैं क्या करने वाला हूं, उस स्टैंडर्ड का जो क्रक्स है, जो जान है उस स्टैंडर्ड का, उस चीज को बताने वाला हूं. ये बताने वाला हूं कि उस स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, एग्जाम में वो कौन से एरियाज है जिससे क्वेश्चन बनने की डेफिनेट पॉसिबिलिटीज हैं,
आपको किन एरियाज में ध्यान रखना चाहिए एंड द मेजर क्रक्स ऑफ द स्टैंडर्ड, और आपको यहां कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है। आपको यहां ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि एक कमिटमेंट चाहिए मुझे आपसे, जिस दिन मैं जिस स्टैंडर्ड का क्रक्स शेयर करूंगा, आपसे ये कमिटमेंट चाहिए कि आप 15 मिनट लगाकर उन एरियाज को गो थ्रू करोगे, उन एरियाज को रिवाइज करोगे, राइट। तो पहले मैंने स्टैंडर्ड का एक वीडियो में क्रक्स शेयर किया, उसके बाद मैंने उसी स्टैंडर्ड का एक वॉइस क्लिप भी मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं भाई, जब भी आपके साथ एक भी स्टैंडर्ड क्रक्स शेयर करूंगा, आपने कमिटमेंट लेनी है कि सर मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को 15 मिनट निकालकर उस स्टैंडर्ड को ब्रीड करना है फ्रॉम द रिस्पेक्टिव नोट्स यू आर स्टडिंग। जिस भी नोट्स आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी टीचर के नोट्स आप स्टडी कर रहे हो, बस हाँ एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप नोट जो यूज कर रहे हो ज्यादा बल्की है तो मेक श्योर कि आप एक कंसाइज नोट्स बना लो। मेक श्योर कि आप खुद के रिटन नोट्स शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर लो, बिकॉज दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले आप वही रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है गाइस? तो ये कॉन्सेप्ट तभी सक्सेसफुल होगा अगर तुम सभी कमिटमेंट लेते हो। और जब भी मैं जिस स्टैंडर्ड का वीडियो बनाऊंगा, दैट इज गोइंग टू कम सून, राइट, तो आपको कमिटमेंट लेना है एक तो कि आप क्या करोगे भाई, उसे रीड करोगे साथ साथ 15 मिनट लगाकर, और उसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर डालोगे सर मैंने रीड कर लिया, राइट। यू आर गोइंग टू पुट ऑन द कमेंट सेक्शन कि सर मैंने क्या कर लिया, मैंने स्टैंडर्ड रीड कर लिया। सो दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव दैट विल हेल्प यू। एक नई कोशिश है, एक नई कोशिश है। उम्मीद करता हूं कि अगर तुम इसे कमिटमेंट के साथ एग्जीक्यूट करोगे देन डेफिनेटली द सक्सेस इज गोइंग टू कम। और आपको ये घड़ी दिख रही है यहां पे, ये घड़ी क्यों है? ये घड़ी इसीलिए है कि बिकॉज भाई टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम वेट्स फॉर नो वन, एंड हर एक स्टैंडर्ड का एक टाइम बाउंडेशन होगा जो मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टैंडर्ड में तुमको इतना टाइम लगाना है। मैं क्रक्स शेयर करूंगा आपके साथ और बताऊंगा भाई तुम घर में जब पढ़ोगे तो तुमको इस स्टैंडर्ड में इतना ही टाइम लगाना है, और उतने ही टाइम लगाकर तुमको स्टैंडर्ड को अच्छे से गो थ्रू करना है, उसको रीड करना है, उसको रिवाइज करना है इन दैट पार्टिकुलर टाइम बाउंड मैनर, बिकॉज टाइम तो लिमिटेड है ना हमारे पास। पता चला हर एक स्टैंडर्ड में 1.5 घंटे लगा रहे हो, 44 स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिट में इतना टाइम लगा दिया, स्टैंडर्ड्स में इतना टाइम लगा दिया, भाई इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा टॉपिक है। रेदर बेनिफिशियल क्या रहेगा कि आपने जल्दी जल्दी एक टॉपिक को पढ़ना सीख लिया एंड आप उस टॉपिक को 4 बार रिवाइज कर रहे हो, 5 बार रिवाइज कर रहे हो, 6 बार रिवाइज कर रहे हो, 7 बार रिवाइज कर रहे हो। याद रखना सिंपल सी चीज है यार, एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन स्टैंडर्ड के ऊपर आता है या किसी भी टॉपिक के ऊपर आता है, एक तो होता है कि तुमने सोचा मेरे को हर चीज आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, हर एक नूक एंड कॉर्नर में चीज आनी चाहिए, और तुमने एक एक वर्ड पढ़ लिया, एग्जाम में तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कौन से स्टैंडर्ड से था या कौन से 4 पॉइंट से, नंबर तुमको ऐसे भी नहीं मिलने वाला। रैदर अगर तुमको 10 में से 8 ही क्वेश्चन आता है, 7 ही क्वेश्चन आता है बट अच्छे से आता है, तो वो 7 क्वेश्चन में तुम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे, प्लस बाकी 3 क्वेश्चन में भी अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ वर्थवाइल लिख दोगे जिसके तुम्हें स्टेप मार्क्स वहां जरूर मिल जाएंगे, राइट। सो पहले हमेशा मेक श्योर करो कि काम की चीजें याद हो जाएं रिजनेबल टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसके बाद यू कैन गो फॉर मोर डिटेल्ड स्टडीज के बचे हुए टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्लियर है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स जो मैं शेयर करने वाला हूँ स्टैंडर्ड्स के ऊपर जनवरी ऑनवर्ड्स, वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और अपना मेंटर जो हमारा पोर्टल है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। रिविजनरी वीडियोस जो है आप क्या करें भाई, इसे यूट्यूब चैनल का जो बेल आइकन है उसे दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टे कनेक्टेड, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे एंड आप रेगुलरली कनेक्ट रह सकते हो वहां पे, राइट। एंड एक कमिटमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट यू हैव टू डू इज जिस दिन जो स्टैंडर्ड का वीडियो शेयर करूंगा, कसम खानी है, कमिटमेंट लेना है, कुछ भी हो जाए 15 मिनट टाइम निकालना है, आज मुझे ये स्टैंडर्ड पढ़ना है और मुझे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर डालना है, बिकॉज दैट विल इंस्पायर मी कि हाँ भाई आप लोग उसे इसको फॉलो कर रहे हो, एंड दैट विल इंस्पायर मी टू मेक मोर वीडियोज फॉर दैट। क्लियर है? सो अगर आपको लगता हो कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू ब्रिंग ए चेंज, दैट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट में भी अपने व्यूज जरूर मैंशन करें। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। उम्मीद करते हैं, इनफैक्ट उम्मीद नहीं करते हैं यार, यकीन के साथ बोलते हैं कि मे 19 ऑनवर्ड्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हमारे लिए फियर फोबिया नहीं रहने वाला और हम उसमें बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने वाले हैं।